हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू द ट्रेवल ब्लॉग्स। आज कोलकाता के लिए सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। बख्तियारपुर पहुंच चुके हैं, यहां से मेरी ट्रेन आने वाली है और कल सुबह हावड़ा उतरने वाले हैं। अब आगे का सफ़र दिखाएंगे, फिलहाल अभी ट्रेन को आने में थोड़ा देर है, चलते हैं आगे का सफ़र लेकर चलते हैं। ये हमारे विचित्र प्राणी रेलवे स्टाफ है, इन्हीं लोग के थ्रू हम भी आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, हम लोग आ चुके हैं। कैसा सफर लगा? सफर कैसा हुआ? सफर बहुत सुहाना। तो चलिए, हावड़ा तो पहुंच चुके हैं, अब यहाँ का सैर करवाते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं किधर को जाना है। स्टेशन से निकलते हैं, जो कोलकाता की बात आती है ना, क्या ही बताएं, कोलकाता की वो पीली टैक्सी और फेमस हावड़ा ब्रिज। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले जाते हैं बोट का वेट करने के लिए, ताकि हम लोग हावड़ा से कोलकाता जा सकें। हावड़ा से कोलकाता जाने के लिए आपको बस एक नदी को पार करना होता है ना, ये मज़ेदार। तो फाइनली हम लोग हावड़ा स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे बोट का वेट कर रहे हैं। तो हमारा बोट का ट्रिप कैंसिल हो गया है, चलते हम लोग पैदल चलेंगे यहाँ से हावड़ा ब्रिज से के ऊपर से चलते हुए। देखने में तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लग रहा है, देखते कितना टाइम में पहुँचते या थक जाते हैं जाते जाते इस साइड से उस साइड। ये आइडिया किसका है? इसका वो इधर आप, इसका आइडिया है कि पैदल चलना है, कि हावड़ा आए हैं और पैदल नहीं चलेंगे तो कैसे चलेंगे। पैदल में थोड़ा एंजॉयमेंट ज़्यादा है, कष्टदायक ज़्यादा है। तो हम लोग आ गए हावड़ा ब्रिज के फुटपाथ पे, चल रहे हैं साइड से। ये हमारे पीछे देख रहे हैं गाड़ी की आवागमन हो रही है। ये हमारे बोलो ना भाई, मासूम का दिख रहा है, मासूम का है तो दिखने क्या है। तो हम लोग काफी टाइम से यहाँ फोटो शूट वगैरह कर रहे थे। अच्छा, ये भी है, फिर से एडिट करो रिटेक। हम लोग काफी टाइम से यहाँ फोटो शूट कर रहे थे, रिटेक। लगभग आधा घंटा से ज्यादा यहाँ पे बिता चुके हैं और यहाँ से चलने का प्लान है। पता नहीं अभी और दिन लोग फोटो खुलवाएंगे क्या करेंगे। ये बंदा काफी एंजॉयमेंट किया, काफी फोटो शूट करवाया है। यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं तो एंजॉयमेंट करेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, तो कुछ ड्रोन शॉट का जुगाड़ करके लेते हैं यहाँ आगे जाकर, तो आपको वो भी दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग ड्रोन शॉट्स लेने के लिए एक जगह ढूंढने लगते हैं, ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ड्रोन व्यू ले सकें। हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग एक मार्केट पहुंचे और मार्केट था फ्लावर्स का, मतलब कि आप जहां भी देखो वहां पे आपको सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखेंगे। और फिर उसी रास्ते से हम लोग नदी के किनारे पहुंच गए और वो सबसे बेस्ट जगह थी हमारे ड्रोन शॉट्स के लिए। तो आप इस ड्रोन शॉट को एंजॉय कीजिए। अगले दिन उठते ही हमारा ऐसा हाल हुआ कि क्या ही बताएं, मतलब हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाए लेकिन बारिश ने हमारे प्लान की ऐसे की तैसे कर दी। फिर बारिश रुकने के बाद बाहर का नज़ारा देखते ही मेरे मन में विचार आया कि क्या कोलकाता के एक शहर में ऐसा हो सकता है। उस बारिश के कारण जिस साइड हमारा होटल था उस साइड रोड पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया था और हम लोग को रोड क्रॉस करके उस साइड जाना था, ताकि हम लोग मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ले सकें।
फिर क्या था, हम लोग ने अपने अपने जूते हाथ में लिए और पानी में छपछपाते हुए चले गए इस साइड से उस साइड और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग वहां से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं यहां से विक्टोरिया मेमोरियल। तो कैसा लग रहा है आपको ट्रेवल कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा थकान लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कल का जॉय तो आपको दिखाएंगे जितना जॉय किए थे। आज हमको पता चला कि इसको सिटी आप जॉय क्यों कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि यहाँ हर कुछ इतना खूबसूरत खूबसूरत है, घूमने का जगह हो, खाने का जगह हो या कहीं भी हो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे। हम लोग पहुंच गए विक्टोरिया मेमोरियल। वहां पे काफी भीड़ थी, लेकिन शायद उस दिन किस्मत बुरी के साथ साथ थोड़ी अच्छी भी थी। हमारे वहां जाते ही एक और टिकट काउंटर ओपन हो गया और हमें जल्दी से टिकट मिल गई। टिकट की कॉस्ट 10 रुपए की थी और एक 30 रुपए की। 10 रुपए के टिकट से आप सिर्फ पार्क वाले एरिया को घूम सकते हैं, लेकिन 30 रुपए के टिकट से आप पार्क प्लस म्यूजियम दोनों को घूम सकते हैं। फिर टिकट लेने के बाद हम लोग एंट्री ले लेते हैं। अब वहाँ जाकर हम लोग लगा कर 2 से 3 घंटे रेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि म्यूजियम को लास्ट में चले जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि म्यूजियम जाने के लिए कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के बैक साइड में हैं और हमें म्यूजियम जाने के लिए हम लोग को फ्रंट साइड में जाना होता है। फिर वहाँ से उठकर हम लोग चले जाते हैं आगे की ओर ताकि हम लोग म्यूजियम में एंट्री ले सकें। आगे पहुँचते ही हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन है म्यूजियम में अंदर जाने के लिए। तो हमारे मन में ये विचार आता है कि काश वो 2 घंटे हमने वेस्ट ना किए होते। फिर लाइन के सहारे हम लोग चले जाते हैं लाइन के एंड में और वहाँ पे जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन तो है ही नहीं कि जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। आगे का नज़ारा चलिए, आगे घंटे में देखेंगे। अभी देखते हैं, आप पीछे का लाइन देख सकते हैं इधर। फाइनली अंदर पहुंच जाते हैं हम लोग और घूमने लगते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। अब वो जगह हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। आखिर हमारे देश को आज़ाद करवाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कुछ नहीं किया। म्यूजियम के अंदर हम लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ने और जानने को मिला, तो हमने कुछ टाइम निकालकर वहाँ एक्सप्लोर किया और बहुत सारी जानकारी भी हासिल की। और अगर आप लोग भी कभी कोलकाता आइए तो कम से कम 2 या 3 घंटे निकालकर वहाँ आपको जाना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और जाते जाते अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें।